हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ज्योति जी है ग्रेटर नोएडा से। ओके, वैसे तो असम से है। अब इन्होंने एक फोटो दिखाई है मुझे जो बल्कि लेयर वाली, उसकी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे तो रील्स और वीडियो डाली है ना, बल्कि लेयर बहुत सारी वो करने वाले जो पहले भी कर रखे हैं बहुत सारे कट, ठीक है। दोबारा से अच्छी खासी लेंथ है, लेकिन इनकी एक डिमांड है जो भी कुछ चाहिए शोल्डर से नीचे चाहिए, तो ऐसे कस्टमाइज कट करने चाहिए और करने आने भी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिमांड, ठीक है। कैसे होगा स्टेप टू स्टेप देखते हैं। और एक बात, अगर आपको बिफोर आफ्टर देखना है जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे देखो, बहुत ही अच्छी वाली रील्स बना के डाली। ओके, थैंक यू, पी स्क्वायर सैलून। सो गाइस, ये रहे हमारे टूल और मैम का हेड वॉश होके आ रहा है, फिर हम स्टार्ट करेंगे कट। ये सारे टूल्स हैं, स्प्रे बोटल एंड ऑल, जो भी आपको एक हेयर कट के लिए नीडेड है। अब आ गई है मैम हमारे पास हेड वॉश करवा के। देखिए, हेड वॉश के बाद हम डिटेंगल कर लेते हैं और अपने हेयर कट के अकॉर्डिंग हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा भी आपको हेयर कट है, जिस भी सेक्शन में आप कंफर्टेबल हैं, जैसे भी मतलब आपको लगता है कि मैं ऐसे ऐसे सेक्शन करूँगा और ऐसे ऐसे कट करूँगा, तो किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसा मैं कलर में बताता हूँ सिर्फ बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल जब भी आप रूट टच अप या कलर करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेट ड्राई करके बिल्कुल सिल्की कर लीजिए हेयर, बिल्कुल शार्प, जिससे कि आपको सेक्शन निकालने में दिक्कत ना हो और फिर उसके बाद एप्लीकेशन में भी कोई अड़चन ना आए। ये है हमारी मैक्सिमम लेंथ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बेस गाइडलाइन बना लेंगे नीचे थोड़े से बालों से, जिसकी जो कि इनकी मैक्सिमम लेंथ होगी। अब बाल सारे इससे ऊपर ऊपर कटेंगे, इससे नीचे तो जाएंगे नहीं, खैर है ही नहीं। तो ये आगे गाइडलाइन आपने देख रहे हैं, नीचे से मैच करूँगा मैं। ओके, हाँ ये सही है, मैच कर ली। इतनी मैम को लेंथ चाहिए, उसके हिसाब से मैंने उठाया और ये पीछे से बैक ये स्लाइडली कट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट है, अदरवाइज मैं अब आपको बेसिक रूल्स बताता हूँ। इसमें जैसे मैंने काटा, इसमें ज़्यादा स्टेप्स आते हैं, ज़्यादा लेयर्स आती है बटरफ्लाई की। ओके, अब बताते हैं बेसिक। ये नीचे से मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन ले ली, आपको दिख रहा होगा, ऊपर से सेक्शन निकाल लिया और ये गए हम ऊपर की साइड स्लाइड करते हुए, डन, ये आ गए। अब इसको एक वन शॉट में काट देंगे, जो हम आप नॉर्मली हेयर कट्स में देखते रहते हो, राइट। अब पूरा हेयर कट हम बेसिक के तरीके से करेंगे, मैंने आपको वो बताया, स्लाइडली भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको दिखाता हूँ छोड़ के कैसे आपको कटाएंगे, ये देखिए इतने सारे ऐसे आएंगे, डन। अब दूसरी साइड का सेक्शन उठाते हैं, इसके अंदर से सेक्शन नीचे से गाइडलाइन लेंगे और हम कट कर देंगे। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ऊपर वाला टक कर देंगे, राइट। अब ये ऐसे किया और इसके अंदर से हम अब सेक्शन लेंगे, दिख रहा है आपको, पीछे से गाइडलाइन ले ली। अब हमें यहाँ पे गाइडलाइन दिखेगी, वहीं पे हमें कट कर देना है। देखो बैक में फिंगर के टॉप्स पे आपको दिख रही है लास्ट, डन। दोबारा से चेक किया और ये नॉचिंग करी और डन। आपको इसमें भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे आए हैं स्टेप्स, तो स्टेप्स आप ये देखेंगे, ये देखो आए ना, डन। अब ऊपर वाला सेक्शन खोला, अब नीचे से गाइडलाइन ले लेंगे और हम चाहे तो उस साइड से भी, क्योंकि उधर के बाल कट के देखो, उधर से भी हल्की सी गाइडलाइन लेंगे हम और नीचे से भी, दोनों साइड से हमें गाइडलाइन दिख जाएगी, ये देखो, क्योंकि उस साइड वाला सेक्शन कट चुका था ना। अब इसे वन शॉट में ही आप काट सकते हैं ऐसे। ये बहुत सिंपल और एक्यूरेट तरीका है, इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ अप एंड डाउन आएगा, 1% भी नहीं, जो वो पहले कर रहे थे, बल्कि उसके अंदर अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन इसमें अप एंड डाउन नहीं होगा 1% भी आपका हेयर कट, क्योंकि स्टेप टू। अब ये बॉक्स सेक्शन को हम पीछे ले जाएंगे, सारे बाल हमने ऊपर काटे थे, इसको पीछे ही ले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बता दिया था कि मैडम को जो अपनी लेंथ चाहिए वो शोल्डर से चाहिए। इस चीज़ को अगर मैं टॉप पे ऊपर 90 डिग्री पे काटता है थोड़ा सा इधर भी, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि लेयर में आ जाता, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप देख रहे हैं मैं शोल्डर से नीचे नीचे रख रहा हूँ बालों को सारों को, क्योंकि मैडम की स्पेशल डिमांड है। अभी जो बॉक्स सेक्शन था हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, आधा सेक्शन उधर, ये आगे गाइडलाइन और ये कट। इस फ्रंट का जो भी सेक्शन है मैं पीछे ले जाके काट रहा हूँ, जिससे कि इसकी लेंथ मेंटेन रहे, राइट। लेंथ मेंटेन के लिए देखो पीछे ला रहा हूँ मैं इसको, ऊपर की टॉप की तरफ ले जाऊँगा तो मैं अगेन बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा स्टेप्स ज़्यादा लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो शोल्डर से डाउन डाउन आ रही है सब चीज़ें, डन। अब इस साइड का सेक्शन रह गया था, बॉक्स सेक्शन लिया, इधर से गाइडलाइन ली, यहाँ से मैच करी ये और कट। अब मैडम के अकॉर्डिंग इसके बाद एक फ्लिक्स रह जाता है, जो मैडम के अकॉर्डिंग हम कट कर सकते बाद में, राइट। ये मैच कर लिया हमने कुछ अप एंड डाउन से, तो ये मैडम के अकॉर्डिंग अभी बड़ा रखा है हमने फ्लिक्स, बाद में हम छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। सारा काम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट करना है, मैंने बोला उस सेक्शन को मैं ऊपर काट सकता था टॉप पे पिविट पॉइंट के, बट नहीं। अब ड्राई करके ये हमारा कट है रेडी, हमने स्पार्कलर लगा लिया है पूरा, और ये देखिए फाइनल लुक। सारे लेंथ आप देख रहे हैं शोल्डर से स्टार्ट हो रही, जैसा क्लाइंट को चाहिए था, जो ऊपर के छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं वो मैम का फ्लिक्स है जो मैम ने शॉर्ट कराया, ये देखिए स्टेप। अब इसको अंदर अगर और ज़्यादा बल्कि और बहुत ज़्यादा शानदार आपको चाहिए, तो आप इसी को और शॉर्ट करेंगे ऊपर वाले हेयर को, तो ये और ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। और इसके इस टाइप के जो हमने पहले भी कट कर रखे हैं ना, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स दिखती हैं, बहुत ज़्यादा पीछे से पूरा बाउंस दिखता है। अब देखो शोल्डर से डाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो क्लाइंट की डिमांड पे करने पड़ते हैं। अगर हम क्लाइंट बोलता और डाउन बस नीचे नीचे 2 इंची में स्टेप चाहिए, तो आपको 2 इंचज़ के अंदर स्टेप देने पड़ेंगे, उनको बहुत सारे चाहिए ऊपर से, तो आप ईयर से डाउन या नेक के बीच में से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं हेयर कट का, डन। कैसा लगा इंस्टाग्राम पर जाकर रिव्यू जरूर दीजिए।